देखो इसमें क्वेश्चन दिया है हमारे पास, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी टी इक्वल टू जीरो पे जो उसकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वापस से किस टाइम के बाद वो एक्वायर कर लेगा, ये हमको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको एक्सलेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहले 0 से लेकर 4 सेकेंड तक उसका एक्सलेशन पॉजिटिव रहा है, यानी उसने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई होगी, और 4 सेकेंड के बाद में क्या हुआ, उसका एक्सलेशन हो गया निगेटिव, यानी फिर अभी रिटार्डेशन का बात कर रहा होगा, उसने एक्सलेशन जो होगा जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज की होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि जब टी इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी वो कितने टाइम के बाद एक्वायर कर लेगा, ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझ गए हो तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको पता है बी बराबर होता है यू प्लस ए टी, ठीक है। तो जो ए और टी का कर्व होता है, ए वर्सेस टी का जो कर्व होता है उस पर जो टी एक्सेस पे, कौन से एक्सेस पे, टी एक्सेस पे जो एरिया होता है वो कितना होता है, ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, यही चेंज इन वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप इसको वैसे लिखना चाहोगे तो एक्सलेशन को हम डिफाइन करते हैं किसमें, डीवी ओवर डीटी से। यहां से अगर मैं डीवी लिखता हूं तो आ जाता है ए डी टी, अगर दोनों साइड कर दिया जाए इंटीग्रेशन तो आपको मिल जाता है बी बराबर एरिया, ठीक है, ऑफ ए टी कर्व ऑन जो भी डी टी होता है उस एक्सिस पे लिखते हैं। तो यहाँ पर डी टी है तो टी एक्सिस पे हम उसका एरिया देख लेंगे, तो यही उसका बी होगा। कौन सा बी होगा, सपोज करो बी वन से वेलोसिटी हो जाती है बी टू, तो आपने कहोगे बी टू माइनस बी वन, यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन में क्या, आपको बस एरिया दोनों का इक्वल करना है। अगर आप एरिया इक्वल कर दो जितना इनिशियल वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी, क्योंकि देखो जो इस एक्सिस के ऊपर एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है और इस एक्सिस के जो नीचे एरिया होता है वो होता है निगेटिव। तो अगर आप चाहते हो कि एरिया दोनों इक्वल हो जाए तो टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो, यानी इनिशियली जितनी वेलोसिटी रही है वही उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपको बस इसका एरिया निकालना है और इसके इक्वल कर देना है। अब कहाँ तक इक्वल होगा, तो मैंने मान लिया कि भाई टी टाइम के बाद क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे कोई टाइम है टी और टी टाइम पे एरिया इक्वल हो गया, ठीक है। अब समझो ये एक सिंपल सा ट्रायंगल है, इसका जब आप एरिया निकालोगे, मैं इसका नाम देता हूँ ओ ए बी, तो अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालोगे, यहाँ से समझ में आ ही गया होगा प्रोसीड कैसे करना है। एंगल ओ ए बी का अगर आप एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 10, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक्चुअल में एंगल ए, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। तो जो एंगल ट्राइंगल बनना है ए एक्स वाई इसके एरिया के इक्वल होना चाहिए, और ए एक्स वाई का एरिया कितना होगा, ए एक्स वाई का हमारे एरिया हो जाएगा 1/2 बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे टाइम जो है टी इक्वल टू कितना है 4 सेकेंड, और यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू मैंने टी मान लिया, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा टी माइनस 4 इंटू हाइट। अब देखो ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं एकदम एक जैसे सेम टू सेम चल रहे हैं, तो अगर आप दोनों का एरिया इक्वल करना चाह रहे हो तो इस जितनी हाइट आपने यहाँ पे ली है उतनी ही आपको डेप्थ यहाँ भी लेनी पड़ेगी। तो ये जो डेप्थ होगी ना डेप्थ, ये भी हमको 10 ही लेनी पड़ेगी, अदरवाइज हम एरिया इक्वल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितना 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 10 इक्वल टू दिस इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 4 इक्वल टू बन जाएगा टी माइनस 4, यहाँ से टी इक्वल टू आ गया 8, यानी कि 8 सेकेंड्स के बाद में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों हमारे ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, तो इसका एरिया पॉजिटिव इसका नेगेटिव आपस में करेंगे दूसरे को कैंसिल, जिससे इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी फाइनल हो जाएगी, डीवी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है, यही फाइनल आंसर है।